जब ब्लॉक जाते हो, जब थाना जाते हो तो बिना चढ़ावे के कोई काम होता है? मतलब मेरे पैर काम होता है, बोल के नहीं बोला। राज में साठ साठ घोटाले हुए, आई जाओ सिपाही पानी हो रहा है तो वहाँ मर्डर करी के हाल है पूरा ब्यौरा बता दो। जनता सर राज में राज किया होगा कि साला कौन कौन कैप्चर भाषा बोलेंगे। समाज का बेहतर हम पूरा करेंगे, जितना कृषि ऋण है सब माफ कर देंगे किसान भाई। जितना सुनो बिजली का, बिहार में बिजली उत्पादन नहीं होता है, बिहार सरकार बिजली खरीदती है और बेचती है, बिचौलिया वाला काम करती है। मान लो 4 रुपया में पर यूनिट खरीदा तो 8 रुपया में पर यूनिट बेच रहा है। आपका सरकार बनेगा गरीब का राज होगा, नौजवान का राज होगा, मजदूर किसान का राज होगा। जब बनेगा तो अपना बिजली का उत्पादन बिहार खुद करेगा, उत्पादन होगा। 500 रुपया आता है तो मेला में करोना हो जाएगा। इसलिए आप लोग हमको एक मौका दे के देखिए, हम नौजवान है, आगे बढ़ना। देखो मजदूर भाई लोग 40 साल आज तक अंदर काम पूरा चला था ना, और अच्छा रहता। आइए एक बात बोल दिया, लॉकडाउन में जितना लोग कोरोना से मरा नहीं मरे उससे ज्यादा भूखमरी और रेलवे से खट के मरे। सही बात है कि तुम लोग जान पहचान वाला तुम्हारा लोग बात फंसा होगा, कमाने के लिए जाता है, पढ़ाई के लिए जाता है, इलाज के लिए जाता है, बिहार का तो करोड़ों रुपया दूसरे राज्य चला जाता है, बिहार गरीब से गरीब हो रहा है, मेरा गरीब मजदूर मजबूरी में दूसरे राज्य में जाता है कमाने। हम नीतीश कुमार जी बोलते हैं लॉकडाउन में जो जाओ वही रहो। अरे ठीक है, आप किराया दे देते उसका,
जहाँ था वही रहता, आप खाने के लिए दे देते, उसका तो रोजगार फैक्ट्री में लॉकडाउन में फैक्ट्री का भत्ता बैठ गया, रोजगार नहीं, मकान मालिक भागो भागो, मेरा बिहार का गरीब मजदूर रोड पे आ गया, बनने के लिए नीतीश कुमार जी ने छोड़ दिया, मुंह फेर लिया, बड़ा बगल का राज, बगल का राज झारखंड है, वहां का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन युवा है, हवाई जहाज से मजदूर को झारखंड लाया गया, ट्रेन चलाए, पहला ट्रेन चला तो झारखंड में चला, अब बिहार के सबसे ज्यादा मजदूर नीतीश कुमार बोलते ना, अब सुशील मोदी अब फुआ मिया कहता है बिहार सरकार देखिए जो दुख के घड़ी में मरने के लिए छोड़ दिया वैसे आदमी तो भरोसा करोगे, वैसे आदमी को तो मरना है, जो कुछ बचा है उसी में बचेगा, 15 साल कम नहीं होता, 15 साल कुछ नहीं किया पर जवान को बेरोजगार रखा, अब नीतीश घूम घूम के कहता है कि बिहार में समुद्र नहीं रहा है, समुद्री तट वाला इलाका जितना होता है वहां देखिए कारखाना लग जाता है, बिहार जमीन से घिरा हुआ है, फैलाव नहीं हो पाता है, सीमा है, तो आप पूछना चाहते हैं नीतीश जी लालू जी तो कारखाना लेने के लिए कारखाना के नाम पर रेलवे का चक्का कारखाना, मधेपुरा में पहिया कारखाना, मरौरा में कारखाना, और आप कहते क्या पूरा कोशिश किया कारखाना लगाने में 15 साल में, लेकिन संभव नहीं है। अरे भैया अब तो आदमी चांद पे चला जाता तो बिहार में कारखाना नहीं रह सकता। बताओ तो